नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कमोडिटी में लगने वाले मार्जिन के बारे में और उसकी लॉट साइज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से कमोडिटी के लिए कितना लॉट साइज होता है, उसका टिक प्राइस क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एवरी टिक के ऊपर आपको कितना होता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप एल्यूमिनियम में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको आपका जो लॉट होगा वो 5000 का होगा, मतलब 1 quantity is equal to 5000 shares। ये 5 मेट्रिक टन का पूरा एक लॉट साइज होता है। उसका जो टिक साइज होता है वो 0.05 होता है, यानी कि अगर 0.05 से प्राइस बढ़ जाती है एल्यूमिनियम की तो आपको एक टिक के बाद 250 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा या फिर 250 रुपए का लॉस हो जाएगा अगर गिर जाता है तो। उसी के साथ अगर कॉपर में आप ट्रेड करते हैं तो 250 का लॉट होता है, 2.5 मेट्रिक टन उसका पूरा ये साइज होता है। एक क्वांटिटी का मतलब होता है 250 शेयर्स, मतलब 250 उसका लॉट साइज होता है। उसका भी टिक साइज जो होता है वो 0.05 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 0.05 से कॉपर की प्राइस बढ़ती है तो आपको 125 रुपए मिलेंगे, मतलब 1 रुपए से अगर कॉपर की प्राइस बढ़ती है तो आपको 2500 रुपए वहां पे मिल जाते हैं। क्रूड ऑयल का अगर ले लो तो आप क्रूड ऑयल में 100 बैरल का एक लॉट होता है, एक क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 बैरल होता है। इसका जो टिक साइज होता है 1 रुपए का होता है, एक का टिक साइज होता है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस, मान लो अभी क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है 5300 रुपए, तो 5301 रुपए हो गया तो आपको यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा या फिर कम हो गया तो 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। उसके साथ अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो 1 kg का एक लॉट होता है, मतलब 1000 ग्राम का एक क्वांटिटी होता है यहाँ पे। इसका भी टिक साइज जो होता है वो 1 का होता है, मतलब 1 रुपए से अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो आपको वहां पे 100 रुपए मिल जाएंगे। उसके साथ साथ गोल्ड मिनी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका जो लॉट होता है वो 10 का होता है, मतलब 100 ग्राम यहाँ पे कैलकुलेट होके आता है। वो अगर ये 1 रुपए से बढ़ता है तो आपको 10 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। इसके साथ साथ गोल्ड प्लेटेड भी आता है जो 1 ग्राम का आता है, और गोल्ड जिनेवा भी आता है जो 8 ग्राम का आता है। उसका जो टिक साइज रहता है तो वही 1 ही रहता है, लेकिन वो 8 पैसे से 80 पैसे से आपको वहां पे मिलना चालू हो जाता है। उसके बाद अगर आप लीड में ट्रेड करते हैं तो दोस्तों वहां भी उसका जो लॉट साइज होता है वो एल्यूमिनियम की तरह ही 5000 का होता है। 5 मेट्रिक टन का पूरा एक लॉट होता है, एक क्वांटिटी का मतलब होता है 5000। उसका टिक साइज जो होता है दोस्तों वो 0.05 होता है, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम। आप अगर वहां पे 1 रुपए आपका बढ़ जाता है एल्यूमिनियम का लीड का प्राइस तो आपको 5000 तक का वहां पे फायदा हो सकता है। उसके बाद अगर आप नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं तो आपका जो लॉट साइज होगा वो 1250 MMBTU का होगा। MMBTU उसका यूनिट होता है दोस्तों, 1250 का पूरा एक लॉट होता है, एक क्वांटिटी। आप अगर एक क्वांटिटी वहां पे ट्रेड करने के लिए लगाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप 1250 क्वांटिटी वहां पे बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो। उसका टिक साइज होता है 0.10 का, मतलब 0.10 से अगर आपका नेचुरल गैस बढ़ जाता है तो आपको 125 रुपए का फायदा या फिर नुकसान हो सकता है, मतलब 1 रुपए से अगर नेचुरल गैस बढ़ गया तो यहाँ पे आपको 1250 रुपए मिल सकते हैं। निकेल में आप अगर ट्रेड करते हैं तो इसका एक लॉट होता है 1500 kg का पूरा ये यूनिट होता है उसका, और लॉट आता है 1500 का। इसका भी टिक साइज 0.10 होता है। इसका मतलब अगर निकेल अगर 1 रुपए से बढ़ता है तो आपको 1500 रुपए तक का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, अगर 0.10 से बढ़ता है तो वहां पे आपको 150 रुपए का प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है। सिल्वर में आप अगर ट्रेड करते हो तो 3 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहला सिल्वर है, फिर सिल्वर एम है और सिल्वर माइक्रा है। सिल्वर एम में आपका लॉट जो होता है वो 30 का होता है, 30 केजी का एक लॉट होता है। सिल्वर एम में आपका 5 केजी का एक लॉट होता है, मतलब 1 quantity is equal to 5 होता है, और सिल्वर माइक्रा में 1 quantity is equal to 1 होता है। इसका भी टिक जो साइज होता है वो 1 होता है। जैसे कि अगर सिल्वर 1 रुपए से बढ़ेगा तो आपको यहाँ पे प्लेन सिल्वर में 30 रुपए मिल जाएंगे। अगर 5 रुपए से 5 kg आप लेते हैं या सिल्वर एम लेते हैं तो 1 रुपए अगर बढ़ेगा तो आपको 5 रुपए मिलेंगे, और सिल्वर माइक्रा में आपको 1 रुपए बढ़ने से 1 रुपए मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है जिंक। जिंक का भी एल्यूमिनियम और लीड की तरह 5000 का एक लॉट होता है, एक क्वांटिटी इज इक्वल टू 5000 होता है, और उसका भी टिक साइज 0.05 होता है। यानी कि अगर जिंक 1 रुपए से बढ़ता है तो आपको यहाँ पे 5000 रुपए का फायदा हो सकता है या फिर नुकसान भी हो सकता है। अब इसमें मार्जिन कितना लगता है दोस्तों, ये डायरेक्टली हम लोग देखेंगे जीरोदा की वेबसाइट पे या फिर जीरोदा की एप्लीकेशन पे। आप अगर वहां पे बाय सेल करने को जाएंगे तो आपको अप्रोक्स मार्जिन डायरेक्टली वहां पे मिल जाता है। अगर आप वो नहीं जानते, आप अगर कोई और ब्रोकर यूज करते हैं तो आप गूगल क्रोम में जाके
कमोडिटी मार्जिन के बारे में सर्च कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए और नॉर्मल कैश एंड फॉरवर्ड के लिए, कैश एंड कैरी के लिए आपको कितना मार्जिन लगेगा ये आपको वहां पे मिल जाएगा। हम यहाँ पे देखने वाले हैं जीरोदा के ऊपर हमको कितना मार्जिन मिल सकता है इसके बारे में। तो चलिए चलते हैं जीरोदा की साइट पे। ये देखिए हमने जीरोदा ओपन कर लिया है। वॉच लिस्ट में हमने सारे जो अभी भी डिस्कस किए हैं वो सारे यहाँ पे कमोडिटीज ऐड करके रखे हैं हमने, जो भी हमको ट्रेड करने होते हैं। आप भी इस तरीके से अपनी एक वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं कमोडिटीज की। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो भी कमोडिटी में ट्रेडिंग होती है वो ऑप्शन और फ्यूचर के थ्रू होती है। यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक जैसे डिलीवरी लेके एक साल दो साल तीन साल ऐसे होल्ड नहीं कर सकते। इसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर आपको वो कमोडिटी का जो पोजिशन होता है वो एग्जिट करना होता है, या तो प्रॉफिट में या तो लॉस में। तो ये आप एक बार जान लीजिए। और फ्यूचर का और ऑप्शन का दोनों तरीके में अगर ट्रेडिंग करते हो तो उसका लॉट साइज सेम रहता है, लॉट साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। सिर्फ ऑप्शन में आपको उस प्रीमियम का पैसा देना होता है और फ्यूचर में आपको अपफ्रंट मार्जिन जो थोड़ा की एक्स्ट्रा होता है वो देना होता है। हम देखते हैं अभी कि मार्जिन कितना होता है। अगर आप एल्यूमिनियम ट्रेड करते हैं तो आप जस्ट एल्यूमिनियम के बाय या सेल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे अप्रोक्स मार्जिन दिखेगा। यहाँ पे आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं इसको। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ पे प्राइस चेंज होती जाएगी। ये प्राइस जैसे जैसे चेंज होगी वैसे अप्रोक्स मार्जिन की प्राइस चेंज होगी। मतलब एक क्वांटिटी मुझे अगर ट्रेड करना है एल्यूमिनियम का तो मुझे 98,043 रुपीज देने होंगे एक लॉट के लिए। जैसे जैसे यहाँ पे आप लॉट बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ पे प्राइजेस चेंज होते जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे दो लॉट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए उस तरीके से वहां पे दो लॉट के लिए पैसे बढ़ गए। तो ये आपका मार्जिन यहां से डायरेक्टली दिखाता है, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। जीरोदा अगर आप यूज करते हैं तो आपको बाय करते टाइम पे यहां पे डायरेक्टली मार्जिन दिखाई देगा। ये एल्यूमिनियम का हो गया दोस्तों। अगर आप कॉपर में ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल देंगे और यहाँ पे आपको मार्जिन दिखाई देगा कि कितना मार्जिन लगता है। ये हो गया नॉर्मल का मार्जिन। जैसे कि आप आज ले रहे हो और कल तक होल्ड करना चाहते हैं या एक्सपायरी डेट तक होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने क्या नॉर्मल का सिलेक्ट किया है, ये नॉर्मल का मार्जिन हो गया। यहाँ पे आप अगर MIS सिलेक्ट करते हैं, मतलब आज के लेके आज ही आप सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे MIS सिलेक्ट कर सकते हैं। MIS सिलेक्ट करने पे आपको पता चलेगा यहाँ पे मार्जिन थोड़ा कम देना पड़ता है, क्योंकि क्या रहता है दोस्तों, अगर आप नॉर्मल सिलेक्ट करते हो और कैरी फॉरवर्ड करते हो, आपका जो फ्यूचर आपने लिया है वो दूसरे दिन तक या एक्सपायरी तक, तो वो गैप अप गैप डाउन का जो रिस्क होता है वो आपको मैनेज करना होता है। इसलिए आपका ब्रोकर आपसे अपफ्रंट मार्जिन एक्स्ट्रा डे ट्रेड करने के लिए ज्यादा ले लेता है। MIS में आपके पास वक्त सिर्फ एक दिन का होता है तो उसमें थोड़ा सा आपको लेवरेज ज्यादा दिया जाता है और थोड़ा कम मार्जिन में आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कॉपर का हो गया दोस्तों। अगर आप क्रूड ऑयल में करना चाहते हैं तो बाय में जाइए, फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये MIS का मार्जिन है 96,000 आपको MIS में ट्रेड करने के लिए क्रूड ऑयल में देने होंगे। ये एक क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 होता है, जैसे कि हमने देखा है कि एक क्वांटिटी मतलब 100 बैरल होता है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मार्जिन चेंज हो जाएगा। ये देखिए 124,825 रुपए अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब आज के दिन नहीं बेचते और कल के लिए उसको होल्ड करते हैं, तो आपको इतना मार्जिन देना पड़ेगा। इतने पैसे आपके अकाउंट में होंगे तो ही आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको गोल्ड लेना है तो गोल्ड में आपको 4,00,000 रुपए होना नॉर्मल ऑर्डर के लिए जरूरी होता है। एक क्वांटिटी यहाँ पे हमने देखा कि गोल्ड का 1 kg का होता है, मतलब 1 kg गोल्ड अगर आपको लेना है तो 4,29,132 रुपए यहाँ पे देने होंगे कैश एंड कैरी के लिए। MIS अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए का मार्जिन आपको कम देना पड़ता है, वहां पे 4,30,000 देना पड़ रहा था, यहाँ पे MIS इंट्राडे के लिए आपको 3,30,000 ही देने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आप नेचुरल गैस ट्रेड करते हैं तो आपको मार्जिन यहाँ पे देना पड़ता है 38,000 का, वो MIS में। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको देना पड़ता है पैसा 49,000 रुपए। मतलब MIS और नॉर्मल में इतना फर्क होता है। बहुत सारे लोग MIS सिलेक्ट करके थोड़ा कम मार्जिन यूज करके डेली प्रॉफिट कमाते हैं, जो कि डेली ट्रेडर्स रहते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स रहते हैं। लेकिन जो लोगों के पास पैसा है, जो लोग एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उनको ट्रेड करना आता है, वो डिलीवरी लेके बैठते हैं एक्सपायरी तक और एक्सपायरी के दिन उनकी पोजिशन स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं।
इस तरीके से आप हर एक कमोडिटी का यहाँ पे मार्जिन चेक कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका, बहुत ही अच्छा फीचर जीरोदा लेके आया है यहाँ पे। आपको ढूंढना नहीं पड़ता, हर बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। इसकी वजह से आपका टाइम बच जाता है और आप तुरंत वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। जिंक का भी यहाँ पे देख सकते हैं, हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आप जिंक नॉर्मल में ट्रेड करना चाहते हैं तो 1,40,000 आपको देने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पे एमआईएस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 1,08,000 में आपका ट्रेड हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों जीरोदा अगर आप यूज करते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मार्जिन देख सकते हैं और आपका ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो, जीरोदा में कमोडिटी मार्जिन कितना होता है और कमोडिटी का एक्चुअल लॉट साइज और टिक साइज के हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना होता है, इसके बारे में की डिटेल वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।